हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसकेके एग्जाम स्टडी। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए क्या है, इंडियन जीके से एक ऐसी वीडियो निकाल कर लेकर आए हैं जिसमें से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना अपने, ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 7 हैं 8 हैं 9 हैं। तो एक बार बता देता हूं भाई, अभी केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, ठीक है, तो बता देना, जो भी पूछे ना बता देना, बेइज्जती मत करवा देना, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं, इस वीडियो के अंदर भी जिक्र होगा। तो अभी यहां पर हाल फिलहाल में जो हमारा इंडियन जीके का टॉपिक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को देखना, बहुत ही मजा आएगा। अभी यहां पर क्या है, भारत के जो कितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जिले कितने हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी केंद्र, देखो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अंदर जिलों की संख्या कितनी है भाई, 42 है। कितनी है, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे क्वेश्चन नहीं है ये टॉपिक है, तो टॉपिक को पढ़ेंगे भैया पूरा। देखो यहां पर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और उनके जिले। तो यहां पर हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है सबसे पहला वो कौन सा है दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहां पर जूम कर लेता हूं। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वो कौन सा है, अंडमान व निकोबार। देखो दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस प्रकार से पूछा जाएगा मैं बता देता हूं आपको। देखो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हमारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर जिलों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे, 42 मिलेगा ऑप्शन के अंदर, टिक कर दो, एक नंबर पक्का। तो कई बार इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भाई इस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना होगा। और जो भी आप, देखो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट देखो यहां पर, अंडमान व निकोबार जो द्वीप समूह है उसके अंदर कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, इसके अंदर क्या है, 1 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है और इसके अंदर भी 1 जिला है। दिल्ली, दिल्ली के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और हमारी राजधानी है, भारत देश की राजधानी है, अपनी राजधानी है दिल वालों की, दिल्ली। तो क्या है, 11 जिले हैं दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांडिचेरी, जो पांडुचेरी है, पांडुचेरी भी बोलते हैं, पांडिचेरी कुछ भी बोलो, जैसे भी आपसे बोला जाता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पांडिचेरी में क्या है, 4 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लद्दाख, लद्दाख के अंदर क्या है, 2 जिले हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, 20 जिले हैं। जम्मू और कश्मीर के अंदर क्या है, 20 जिले हैं। अभी देखो दोस्तों, मैंने हाल फिलहाल में आपसे एक बात कही थी, कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश है बहुत सारे भाइयों को नहीं पता, ठीक है, तो दोबारा से बता देता हूं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, 42 जिले हैं उन 8 केंद्र शासित प्रदेश में। तो यहां पर क्या है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भैया दूसरे में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहां पर देखो, दादर व नगर हवेली और दमन व द्वीप, इनको भैया 2 से 1 कर दिया गया। अभी इनके जिले कितने हैं, 3 जिले हैं इनमें, तो टोटल क्या हो गए, 42 हो गए भैया, ठीक है। तो 42 क्या है, जिले हैं केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, टोटल 42 जिले हैं। लिस्ट मैंने आपको बता दी, अंडमान निकोबार में 3 है, चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, दिल्ली में 11 है, पांडिचेरी में 4 है, लद्दाख में 2 है, जम्मू कश्मीर में 20 है, और जो दादर नगर हवेली है, दमन व द्वीप है, उसके अंदर 3 जिले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आ सकते हैं।